और रुक करते हैं अगली खबर का। रियो ओलंपिक में गए पहलवान नरसिंह यादव पर 4 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। कुश्ती संघ और नरसिंह के परिवार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। भारत के लिए मेडल की उम्मीद रहे नरसिंह को कुश्ती की मैट पर उतरने से महज 10 घंटे पहले बैन कर दिया गया। नाडा से मिली क्लीन चिट को वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में चुनौती दी थी। सीएस ने नरसिंह के खाने में मिलावट की दलील को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद नरसिंह यादव बेहद निराश हैं और उनका रो रोकर बुरा हाल है। वो बात करने की स्थिति में नहीं है, वो केवल रोए जा रहा था और फिर हमने भी बहुत जिद नहीं किया बात करने की। और साथ के लोग थे, उनसे कहा भाई इसको संभालो। नरसिंह काफ़ी मतलब अपसेट है, शायद बात करने के मूड में नहीं था नरसिंह जी। तो अब देखते हैं आगे आने के बाद। फोरी अब बैन लग गया तो पहलवान तो यही रहेगा, दुनिया का पहलवान यही रहेगा। मुकाबले से ठीक पहले नरसिंह पर लगे बैन से परिवार बेहद दुखी है। हम तो एकदम पागल हो गए, अभी खबर लगी हमको, हम तो एकदम बेहाल हो गई। मेरे मुंह से बात नहीं आ रही है कि कितना हमारे बेटे को टेंशन दे रहा है लोग। इतना दिन से तैयारी करते हैं 4 साल से, तो इसमें बड़ी दुख की बात है कि सब लोग हथुआ कर दिए तो इनको लड़ने दो, जैसे सब लोग फैसला दिए उसे अब भी दे दो। डोप टेस्ट में नरसिंह यादव पहले ए और उसके बाद बी सैंपल में फेल हो गए थे। सुनवाई के दौरान नाडा के सामने नरसिंह ने 500 पन्नों का हलफनामा पेश किया था। नाडा पैनल ने माना था कि इस मामले में नरसिंह यादव साजिश का शिकार हुए। कुश्ती फेडरेशन ने भी नाडा को भेजी गई रिपोर्ट में माना था कि नरसिंह के खिलाफ साजिश हुई। नरसिंह यादव ने कहा है कि वो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।